बरेली में एक युवक ने नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा और उसके भाई पर तेजाब से हमला कर दिया। एसिड अटैक से दोनों भाई बहन झुलस गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मामला बरेली का है, जहां एक छात्रा नीट परीक्षा की तैयारी कर डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। वो अब खुद डॉक्टरों की निगरानी में उपचार करवा रही है, क्योंकि एक युवक ने छात्रा के घर में ही घुसकर छात्रा और उसके भाई के ऊपर तेजाब फेंक दिया। एसिड अटैक में छात्रा और उसका भाई झुलस गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर विनोद पागरानी का कहना है कि दोनों भाई बहन की हालत गंभीर है। देखिए, करीब सुबह 4 बजे वो लोग आए थे, छत वाले कमरे में वो लोग सो रहे थे, दरवाजे छत खुला हुआ था उनका, तो कोई ऐसे ट्रक के गया उनके ऊपर। और जो उसमें पुरुष दो भाई बहन हैं, जो पुरुष है वो उनके चेहरा जला हुआ है और एक हाथ जला हुआ है, और करीब मान के चलिए उनका 18% बर्न है, डीप बर्न लग रहा है वो। संग संग उनकी आँख में भी छींटा चला गया है, तो लग रहा है एक आँख में विजन उसके कम आ रहा है। अब कितना अंदर डैमेज है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट देख रहे हैं। ये घटना करीब रात के 3 बजे की है। छात्रा और उसका भाई घर में सो रहे थे, तभी आरोपी युवक वहां पहुंचा और दोनों पर तेजाब से हमला कर दिया। हमला कर आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसपी राहुल भाटी का कहना है कि अभियुक्त पीड़िता को पहले से जानता था। देखिए, थाना इज्जत नगर के 100 फुटा में एक कॉलोनी में रात को 3:30 बजे की घटना है। भाई बहन अपने रूम में सो रहे थे, तो उनके वर्जन के अकॉर्डिंग उनके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने एसिड से हमला किया और फिर वहाँ से चला गया। सुबह जब पुलिस को इस बात का पता लगा, तो इसमें 326A एसिड अटैक की सुसंगत धाराओं मुकदमा पंजीकृत किया गया, और शक के आधार पर और जो पीड़िता है उसके वर्जन के अकॉर्डिंग दो व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।